तो जीवन में शांति लाने हैं, लाने हैं, लाने हैं, नहीं लाने हैं, लाने हैं, तो उतना खरीदे जितना जरूरत है, बोर हो गए हैं इसलिए नहीं खरीदना है। दोनों बातों में फर्क, दोनों बातों में फर्क। और हर बार जो कोई एक चीज आप नहीं खरीद रहे, आप प्रकृति के साथ एक श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। उस समय जो प्रकृति का ध्यान रखेगा, प्रकृति उसका ध्यान रखेगी। ये भी एक कर्मों का हिसाब किताब होता है। प्रकृति का ध्यान रखिए, प्रकृति आपका ध्यान रखेगी। प्रकृति के साथ एक प्यारा सा रिश्ता बनाइए। सादगी को अपना नेचुरल स्वभाव बनाइए, नेचुरल स्वभाव बनाइए। ये याद रखते हुए कि चीजें जरूरत के लिए होती हैं, चीजें खुशी के लिए नहीं। खुशी तो मेरा संस्कार है। सारा दिन में जब परिस्थितियां आती हैं या लोग अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, तो हमारी जो सोच चलती है वो सोच किसने क्रिएट की, लोगों ने या मैंने? आप में से किसको पिछले हफ्ते के अंदर गुस्सा आया? अच्छा, एक मिनट आप बंद कीजिए और वो सीन सामने लेकर आइए। क्या हुआ था उस दिन, किसने क्या किया था और मैंने कैसे रिएक्ट किया? सीन सामने लेकर आए, अच्छे से देखिए क्या किया था, क्या गलती थी और मैंने कैसे रिएक्ट किया था। अब उसी सीन को, वो सीन कल फिर से आएगा, वो गलती फिर से होगी उनसे करना। क्या मेरे पास चॉइस है कि उसी सीन में एक अलग तरह से रिस्पॉन्ड करने का? देखिए अपने आप को एक अलग तरह से करते हुए। सीन नहीं बदलेगा, परिस्थिति नहीं बदलेगी, उनकी गलती नहीं बदलेगी, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ मेरी सोच, बोल और व्यवहार। क्या मेरे पास चॉइस है? किस किस को लगता है चॉइस है? ये है अध्यात्म। अध्यात्म शक्ति है। हम कहते हैं वो अध्यात्म अभी मेरी एज के लिए नहीं, ये तो बाद में, ये बाद में तो जरूरत ही नहीं है इसके लिए। ये तब जरूरत है जहां मेरे जीवन में जब इतनी सारी परिस्थितियां आ रही है, उनको मुझे सही तरह से सामना करना, इस शक्ति की तब जरूरत है। लेकिन सारा दिन में हम जीवन पर में कैसे जीते? उन्होंने ऐसा किया तो बुरा तो लगना ही था, उसने ऐसा किया तो गुस्सा तो आना ही था, बात ही ऐसी थी, चिंता तो होनी थी, तो हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? हम किसको ब्लेम कर रहे हैं? हमारी सोच का निर्माण कौन करता है, वो या मैं? कौन करता है, वो या मैं? आपको कभी किसी ने हर्ट किया? कौन कौन हर्ट हुआ है? कभी हर्ट हुए ना, लेकर आइए उनका नाम जिसने हर्ट किया था। अब उनको लेफ्ट हैंड पे रखिए और अपने आप को राइट हैंड पे रखिए। उन्होंने जो किया, जो बोला, जो कहा, शायद और लोगों के सामने बोला, जो भी उन्होंने किया, कुछ भी सही नहीं किया, सब कुछ गलत था, वो तो डर है। लेकिन उनकी पावर यहाँ है, वो यहाँ खड़े होकर बोल सकते थे, चिल्ला सकते थे, आरोप लगा सकते थे, निंदा लगा सकते थे, पीठ पीछे बातें फैला सकते थे, वो यहाँ बैठ कर सकते थे। लेकिन हर्ट तो यहाँ क्रिएट हुआ था। क्या वो मेरे मन में घुस के मुझे हर्ट भी कर सकते थे? कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? यस, कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? फिर भी हमने पकड़ के रखा, उन्होंने मुझे हर्ट किया। अब ये कर सकते हैं, उन्होंने गलत किया, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने धोखा किया, उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते। हर्ट मुझे कौन करता है? हर्ट मुझे कौन करता है? बोलिए एक बार, हर्ट मुझे कौन करता है? बोलो बोलो अच्छे से, हर्ट मुझे कौन करता है? हर्ट मैं खुद को। कैसे हर्ट? उन्होंने जो किया वो सोच सोच के हर्ट, फिर सोच सोच के उस बात को पकड़ के रखा, इसलिए
सी अबाउट। और फिर सोचा कि वो जब क्षमा मांगेंगे तब हम ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे खड़े हम लोगों के सामने, ऐसे अच्छा लगता है जीवन जीना? तो हमेशा याद रखना है, वो गलत कर सकते हैं लेकिन वो मुझे हर्ट नहीं कर सकते। मुझे हर्ट कौन करता है? मुझे हर्ट कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ मैं। तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है और कौन सी शक्ति देता है कि जैसे ही सामने से कोई बात आई, सामने से किसी ने व्यवहार किया, वो सही नहीं किया, लेकिन मैंने उसी क्षण सही कैसे सोचना है वो शक्ति। जहाँ मैंने रिमोट कंट्रोल अपने माइंड का उनको नहीं देना और ये नहीं कहना उनकी वजह से मैं ऐसे, वो वैसे, हम ऐसे। वो अपने संस्कार से कर्म करेंगे, हम अपने संस्कार से व्यवहार करेंगे, वो फिर से करेंगे, हम फिर से करेंगे। वो बार बार गलत करते रहेंगे, हम बार बार सही सोचते रहेंगे। वो हमें नहीं बदल सकेंगे लेकिन हम सही सोच सोच के उनको पक्का बदल देंगे। ये तो सब है। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ना ही पड़ना है। उनकी नेगेटिविटी का मुझ पर नहीं, मेरी पवित्रता का उन पर प्रभाव। ऐसा जीवन जीना है। लेकिन ये करने के लिए उस समय वो शक्ति चाहिए, उस समय वो शक्ति चाहिए। लेकिन वो शक्ति कैसे आएगी? रोज सुबह का वो आधा घंटा, रोज सुबह का वो आधा घंटा जहाँ मेडिटेशन किया और यहाँ पर ध्यान भरा। तो सारा दिन में ज्ञान हमें सही सोचने की समझ देगा और मेडिटेशन उसी क्षण उस सही सोच को क्रिएट करने की शक्ति दे देगी। और वो ऐसी शक्ति है कि ये जीवन की छोटी छोटी परिस्थितियां नहीं, लेकिन जीवन में कोई बहुत 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 बड़ी बात भी आती है ना, तो वो इतनी शक्ति कच्ची की हुई होती है कि उस समय में हम बिल्कुल शांत और स्थिर। अभी थोड़े देर पहले हम एक सेंटर पर गए थे सभी, तो एक बहन ने किसी से मिलवाया जिसके 6 साल के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ अचानक उसके सामने बस से। और वो उठाकर बच्चे को जब हॉस्पिटल लेकर गए तो वो बहन, मतलब जो मदर थी, बिल्कुल स्थिर। बच्चे की स्थिति बहुत ऊपर नीचे और वो माँ बिल्कुल स्थिर। डॉक्टर ने कहा आप कौन हैं? कहा मैं उसकी माँ हूँ। तो उसने कहा मैं नहीं मानता ये बात, ऐसे कैसे हो सकता। और फिर डॉक्टर ने थोड़ा प्रयास किया लेकिन उस आत्मा ने शरीर छोड़ा उसने। लेकिन जब उस बच्चे ने, उस आत्मा ने शरीर भी छोड़ दिया, वो माँ बिल्कुल स्थिर थी। क्यों स्थिर? क्योंकि उसके पास ये ज्ञान था कि हर परिस्थिति में सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है मेरी स्थिति शक्तिशाली होनी चाहिए। और उसके पास ये ज्ञान था कि जब उस आत्मा ने शरीर छोड़ा है तो उस आत्मा को मुझे दुआओं के साथ विदाई देनी है। लेकिन सिर्फ ज्ञान से तो नहीं होता, ज्ञान तो हमारे पास भी सबके पास है, लेकिन हम उस समय क्या कहते हैं? लेकिन उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसके पास वो ज्ञान को इंप्लीमेंट करने की शक्ति भी थी, वो है मेडिटेशन। जो जीवन की सबसे मुश्किल सीन होती है ना, वो सबसे मुश्किल सीन होती है जब हमारे कोई परिवार का सदस्य अपनी यात्रा पर आगे जाते हैं। उस सीन में भी स्थिर रहना, और स्थिर रहने का मतलब ये नहीं है कि प्यार नहीं है, स्थिर रहने का मतलब ये नहीं है कि याद नहीं आएगी, लेकिन स्थिर रहने का मतलब है हम निस्वार्थ हैं, हम अपने बारे में नहीं सोच रहे मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम प्यार करते हैं तो हम उनकी विदाई और उनका नया भाग्य दुआओं के साथ स्टार्ट करते हैं, अपने दर्द और दुख के साथ नहीं। क्योंकि हमें पता है कि आत्मा आगे जाकर दर्द में प्रवेश कर रही है, हम उसको यहाँ से क्या भेज रहे हैं। लेकिन ये सब उस समय कैसे काम आएगा? ये तब आएगा जब वो रोज आधा घंटा अपने ऊपर वो अभ्यास किया, वो प्रयास किया, वो मेहनत की। लेकिन वो मेहनत मेहनत ही नहीं लगती क्योंकि वो जीवन को पहुँच के जीवन बनाती है।
तो जब इतनी कठिन परिस्थितियों में, इतनी जीवन की बड़ी परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं, तो सारा दिन की छोटी छोटी बातें तो कोई बातें ही नहीं है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? यहाँ की स्टैमिना को क्या किया? बढ़ाते गए। हम सबके पास ये स्टैमिना है, कोई भी आत्मा नहीं है जिसके पास ये शक्ति नहीं है। लेकिन वो शक्ति को रोज क्या करना है? बढ़ाना है। और जब ध्यान नहीं रखे तो वो शक्ति अपने आप क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। कोई भी शक्ति कोई यूज नहीं करो तो वो घटती जाती है। आपको याद है पहले हमें सब बातें याद रहती थी, किसका नंबर कौन सा है, किसका जन्मदिन कौन सा है, सब याद रहता था। लेकिन जबकि सबसे हमारे खिलौने इसको याद रखने लगे, हमें नंबर नहीं याद रहते। शक्ति थी, यूज नहीं किया, घटती गई। सहन करने की शक्ति थी, झुकने की शक्ति थी, भूलने की शक्ति थी, क्षमा करने की शक्ति थी, यूज नहीं किया, घटती गई। पहले 20 लोग एक घर में रह सकते थे, फिर 10 लोग रहने लगे, फिर 5 लोग रहने लगे, फिर 2 लोग रहने लगे, अब वो 2 लोग भी अलग अलग कमरे में रहने लगे क्योंकि शक्ति नहीं है। और फिर वो अपने लैपटॉप फोन, और अगर ज्यादा बोर हो रहे हो तो कहेंगे पेट बहुत अच्छे, मैं उसके साथ हैप्पी। जितना शक्तियों को यूज नहीं करेंगे, शक्तियां क्या होती चाहिए? शक्तियां क्या होती चाहिए? घटती चाहिए। तो थोड़ी सी अपने दिनचर्या में परिवर्तन लेकर आते हैं। आज प्रतिज्ञा करने का दिन है ना, हम रेडी है ना शक्ति को बढ़ाने के लिए? कौन कौन रेडी है शक्ति को बढ़ाने के लिए? शक्ति को बढ़ाने के लिए भी रेडी है, आधा घंटा निकालने के लिए भी रेडी है, दोनों चीजों के लिए रेडी है। पीछे के कारण को समय देना है। सिर्फ सोचने से खुशी नहीं आएगी, और सोचने से सेहत नहीं आएगी, और सोचने से रिश्ते अच्छे नहीं बनेंगे। उस पीछे के कारण में पानी देने जाना है। वो यहाँ है, वो दिखाई नहीं देता है। हम सब जब मकान बनाते हैं तो मकान के दो हिस्से होते हैं, एक जो दिखाई नहीं देता है और एक जो बहुत सुंदर दिखाई देता है। हर एक जो आता है वो किसकी महिमा करता है? जो दिखाई देता है। लेकिन मजबूत कौन सा चाहिए होता है? मजबूत कौन सा चाहिए होता है? जो दिखाई नहीं देता है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, आत्मा की स्थिति दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये वो फाउंडेशन है जिस पर जीवन रूपी मकान खड़ा है। मकान कितना भी सुंदर हो, शरीर कितना भी परफेक्ट हो, प्राप्तियां कितनी भी हो, अगर वो फाउंडेशन मजबूत नहीं तो एक चौका गिरने लगती है चीजें। मकान सिंपल भी हो लेकिन फाउंडेशन मजबूत हो, सो बड़े से बड़े तूफान आए और भूकंप आए, मकान कैसे रहेगा? स्ट्रॉन्ग। तो मकान को सुंदर बनाने की बहुत मेहनत की, अब साथ में मजबूत बनाने की मेहनत करनी है। तो जीवन की कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन रूपी मकान को हिला नहीं सकेगी। बातें आएंगी और बातें चली जाएंगी, लेकिन हम कैसे रहेंगे? स्ट्रॉन्ग। हमारी सोच पर सबसे ज्यादा जिस चीज का प्रभाव पड़ता है वो होता है जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। ये पोस्टर बना के अपने घर में रख लेना, बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो हम बनते हैं। तो 25 साल पहले क्यों टेंशन कम थी, क्यों डिप्रेशन कम था, क्यों बीमारियां कम थी? क्योंकि हमारे पास ये खिलौने नहीं थे। कौन कौन उस हीरा में है जब पहला टीवी आया था? फोन तो बाद में आया था, ये पहला टीवी, फिर पहला सीरियल। पहले पहले तो हम पड़ोस के घर में जाके देखते थे, फोन भी पड़ोस के घर में जाके बात करते थे। और अगर आप उस हीरा को चेक करेंगे तो ये सारी बीमारियाँ उस समय नहीं थी। ये कॉन्टेंट है जिसको हम कंज्यूम करते हैं। जैसा कंटेंट हम कंज्यूम करेंगे वैसे हम बनते जाएंगे, ये खुराक है। जैसे जो हम खाएंगे पिएंगे वो शरीर बनेगा, जो हम सुनेंगे पढ़ेंगे देखेंगे संस्कार बनेंगे। अगर हम अपने फोन और टीवी से ऐसी चीजें ले रहे हैं जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है,
जिसके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, डर है, हिंसा है, तो हमारे संस्कार वैसे ही बनेंगे। तो आज से जो हमने व्रत रखना है, आज तो खाने पीने का व्रत रखा है, लेकिन आज से जो हमने व्रत रखना है वो ये कि हम अपने फोन और टीवी से कुछ भी नेगेटिव नहीं देखेंगे। रेडी है करने के लिए? और रही है कुछ भी नेगेटिव नहीं लेंगे, बहुत कम मिलेगा फिर लेंगे। हर शाम को जो घर में सीरियल चल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग उस पर, कोई रो रहा है, कोई धोखा दे रहा है, कोई घर टूट रहा है, और रोज चलते रहते हैं घरों के अंदर। जो शब्द घर में रोज चलेंगे, जो शब्द घर में रोज चलेंगे, तो वो शब्द घर की मनोस्थिति बनाएंगे और वो ही घर का भाग्य बनाएंगे। क्राइम शो देख रहे हैं तो देखते ही जा रहे हैं एक के बाद एक एपिसोड, फिर कहते पता नहीं डर क्यों लग रहा है आजकल। पूछो डर क्यों लग रहा है, आपके जीवन में कुछ हुआ? कहते नहीं कुछ भी नहीं हुआ, पर फिर भी डर लगता है। जो देख रहे थे वहां से आ रहे हैं। अटेंशन, वो किसी का बिजनेस है, उनका भाग्य तो अच्छा होता जा रहा है और हम उसको ऐसे ही लेते लेते अपने भाग्य को क्या करने जा रहे हैं। तो ये व्रत रखना है कि कोई भी कमजोरी, कोई भी नेगेटिविटी, किसी वीडियो, ऑडियो, लेख, पिक्चर, गीत, किसी चीज में लूंगी तो मैंने कंज्यूम करना है। रेडी करने के लिए? रेडी? ये ऐसे ऐसे जो हम बैठते हैं ना, पता नहीं चलता, 10 मिनट ऐसे बीत गए, फिर रिमोट के साथ ऐसे ऐसे बैठे, घंटा ऐसे बीत गया, सब कुछ कर दिया। पहले तो वो समय पर फिक्स आते थे, तो हम चूज करते थे कि हमें देखना है कि नहीं देखना। अब हम कंट्रोल नहीं करते, वो हमें कंट्रोल करते हैं, अपने आप हमारे सामने फेंकते जाते हैं उस चीज को ऐसे। तो इस समय संयम की जरूरत है,